Assalamu alaikum students, hope all of you will be fine. This is Javed Zulfiqar, your mathematics teacher for new syllabus 7th edition D1 mathematics. Clear? Exercise 1 भी हम कर रहे थे तो उसमें question number 6 तक हो चुका था, तो question number 7 और 8 हम solve करेंगे. Very important और concept based जो है ये question है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके तो इसमें आपको समझ आ जाएगा. तो आप लोगों ने उम्मीद है कि आप लोग मेरा लेक्चर अच्छे से सुनेंगे ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएं. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 7. अगेन नीड टू पैक 171 पेंस, 63 पेंसिल्स, 27 इरेजर्स, क्लियर, इन टू आइडेंटिकल gift bag so that each item is equally distributed among the gift bags. Clear? तो students, एक bag है उसमें जो है वो 170 need to pack, उसमें pack करना है हमने 171 pens, 63 pencils and 27 erasers into identical gift bags so that ये gift bags हैं. Each item is equally distributed among the gift bag. हर आइटम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ये भी हो. ओके, सो इसमें सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग दैट कैन बी पैक. सबसे पहले तो आपने बताना है कि लार्जेस्ट नंबर, कितने गिफ्ट जो है वो हम एक बैग में पैक कर सकते हैं. क्लियर? दूसरी बात क्या बतानी है? द नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग, हर गिफ्ट बैग में कितने आइटम्स होंगे. क्लियर? द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू टेल द लार्जेस्ट नंबर. आई टोल्ड इन माई प्रीवियस लेक्चर व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट, इट मीन यू हैव टू फाइंड द HCF. क्लियर? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग दैट कैन बी पैक, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग, हम कितने गिफ्ट बैग जो है वो पैक कर सकते हैं लार्जेस्ट. ओके, द नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग, एक गिफ्ट बैग के अंदर कितनी आइटम्स जो है वो हम डाल सकते हैं. तो सबसे पहले हमने लार्जेस्ट फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइटम गिफ्ट बैग. सो इसके लिए हमने HCF फाइंड करना पड़ेगा, किसका? 171 पेन, 63 पेंसिल्स एंड 27 इरेजर्स. So let's see, 171 pens, 63 pencils, 27 erasers. Largest number of gift bag that can be packed. सबसे पहले हमने ये find करना है. So largest के लिए HCF होता है, तो हमने इन तीनों का HCF find करना है. First of all ये 3 पे तीनों हो रहे हैं, तो ये 57, 21 और 9. फिर आपने चेक करना है कि तीनों किसके ऊपर जो है वो, इसके इन तीनों का सेम फैक्टर क्या है, वो फिर 3 है. सो ये 19, 7 और 3. इसके बाद इसका फैक्टर सेम नहीं है तो यहाँ तक छोड़ देंगे. अगर LCM फाइंड करना होगा तो टिल एंड तब तक करेंगे जब तक 111 ना आ जाए. क्लियर? ओके, ये आप लोग इंफॉर्मेशन के लिए था. सो 3 × 3 9 आ जाएगा जी. तो ये वो नंबर है गिफ्ट बैग दैट कैन बी पैक. क्लियर? 9 है ये, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट है. नाउ नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ बैग, एक बैग के अंदर कितनी आइटम्स हो सकती हैं या होनी चाहिए. क्लियर? सो लेट्स सी क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम इन अ बैग. स्टूडेंट्स देखें, ये 171 को जब हमने सिंपलीफाई, 19 आया, 63 को जब हमने सिंपलीफाई किया तो 7 आया, 27 को किया तो 3. सो बेसिकली 171 क्या था? ये 171 पेंस थे, 19 पेन हो गए, 63 पेंसिल्स थे तो 7 हो गई, 27 लेजर थे तो 3 हो गए. देखें, जब आपने 9 आपने बताया कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग जो हम पैक कर सकते हैं वो 9 है, तो उसके बाद जो हमारे पास बचा वो 19, ईच आइटम के लिए वो क्या था? 19 पेन, 7 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स. क्लियर? इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है. क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई? स्टूडेंट्स, आपने जस्ट सिंपल इसका जब उसने हिंट दे रखा है कि लार्जेस्ट नंबर, इसका मतलब ये होता है कि HCF है. जब आपने इसको सिंपलीफाई कर दिया, आपने बताया कि 9 जो है वो बैग हम पैक कर सकते हैं. जब आपने 9 बैग पैक कर लिए तो हर एक में कितनी आइटम्स होंगी, तो हमने बताना है कि 19 फॉर पेन,
सेवन फॉर पेंसिल एंड 23 फॉर इरेजर, ये इसमें आ सकती है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से समझना है। टू रेस कार्स, कार एक्स एंड कार वाई, दो कार्स है हमारे पास, एक एक्स है और एक वाई है। आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर है, ऑफ अ 2 किलोमीटर ट्रैक एट द सेम टाइम। देखे स्टूडेंट, अगर मैं इसकी डायग्राम बना लू यहां से, सपोज कर ले यहाँ पे कार एक्स है और यहाँ पे कार वाई है, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 2 किलोमीटर का है जी, 2 किलोमीटर ट्रैक है ये जो स्टूडेंट्स, ट्रैक है ये वाला, ये कितने का है, ये 2 किलोमीटर का है। सेम फॉर इसके लिए भी यही बात है। ओके सो नेक्स्ट क्या है, कार एक्स एंड कार वाई मेक 1 लैप एवरी 60 सेकेंड एंड एवरी 80 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ये जो कार एक्स है ये 1 लैप 2 किलोमीटर का है, ये 60 सेकेंड में 1 लैप कर जाती है, और कार वाई जो है वो 80 सेकेंड में। अगेन आई एम टेलिंग, कार एक्स एंड कार वाई मेक 1 लैप एवरी 60 एंड एवरी 80 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। सो कार एक्स जो है वो 60 सेकेंड में और कार वाई जो है वो 80 सेकेंड में, तो इन दोनों में फास्टर कौन सी हुई और स्लोअर कौन सी है। फास्टर वही है जो जल्दी डिस्टेंस ये 60 सेकेंड में 2 किलोमीटर कर लेती है, और कार वाई जो है वो 80 सेकेंड में। तो कार वाई स्लोअर है और कार एक्स जो है वो फास्टर है। क्लियर हो गया? अच्छा अब हमने फाइंड क्या करना है, ये तो हमने पता कर लिया कि 1 लैप 2 किलोमीटर का है और कार एक्स जो है वो 60 में और कार वाई 80 में, और कार एक्स जो है वो फास्टर है और कार वाई लोअर है, ठीक है, स्लोअर है। सो इसमें क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट हमने क्या करना है, हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स विल इट टेक फॉर बोथ कार टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम। हाउ लॉन्ग इन सेकेंड, सेकेंड में हमने बताना है कि विल इट टेक फॉर बोथ कार्स, यानी कितना टाइम लगता है दोनों के लिए एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम जी, वापस इसी पॉइंट पर आने के लिए दोनों को कितना टाइम लगता है हमने सेकेंड्स में बताना है। क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स? सो लेट्स सी, टाइम टेकन फॉर कार एक्स एंड कार वाई टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 60 एंड 80। स्टूडेंट इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें 2 कार्स या 2 बसेस हों और जहां से स्टार्ट हुई वहां से ही वहां पर ही वापस आना है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने एलसीएम फाइंड करना होगा। आई वांट टू रिपीट दिस, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जिसमें कार्स की बात है या बसेस की और डिस्टेंस कवर होगा, आपको टाइम गिवन होगा, लैप्स गिवन है, तो जिस पॉइंट से जा रहे हैं उसी पॉइंट पे आना है, सो आप इस तरह वाले क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करेंगे। क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स? ओके सो हमने 60 और 80 का एलसीएम, क्योंकि ये हमने देखा आपने किसका टाइम 60 और इसका 80 है और हमने टाइम ही तो फाइंड करना है, सो दोनों का एलसीएम लेंगे जी। सो 230 240, फिर 215 220, 5 दोनों में है तो 5 फैक्टर है दोनों का, और 4 अगर एलसीएम फाइंड करना होता तो यहाँ तो डूब जाना था, लेकिन एलसीएम करना है तो 1 लाना जरूरी है, सो 3 से कर लें और 4 से कर लें। ओके स्टूडेंट्स अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 5 3 4 एंड 1 into 1, सो 2 2 4 4 5 टाइम 20, 23 टाइम 60, 64 टाइम 240, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 240 आ जाएगा। क्लियर? So, ये था 240 सेकंड में ये वापस आ जाती है इसी पॉइंट के ऊपर। क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स? अब हमने सेकंड वाला फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग इन अ मिनट, हाउ लॉन्ग इन अ मिनट विल इट टेक फॉर फास्टर कार टू बी 5 लैप अहेड ऑफ स्लोअर कार। हाउ लॉन्ग इन अ मिनट जी, will it take for faster car to be 5 lap ahead of the slower car जी, ये जो faster car है car x, इसको कितना time लगेगा
5 लैप्स पहले कवर कर जाने से एज कम्पेयर टू कार वाई। देखिए कार एक्स जो है वो फास्टर कार है और कार वाई स्लोअर है। अब वो हमसे पूछना चाहता है कि आप हमें ये बताएं कि 5 लैप पहले कवर कर जाए कार एक्स एज कम्पेयर टू कार वाई, तो उसको 5 लैप पीछे छोड़ने तक कितना टाइम लग जाएगा। क्लियर? तो इसमें हमने लैप्स फाइंड करना है, उसमें टाइम था तो हम लैप्स ही लेंगे जी। सो 1 लैप 2 किलोमीटर है, 5 लैप्स कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10 किलोमीटर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्पीड का फार्मूला पढ़ा होगा, वो क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ये जो कि हम ये फर्स्ट लैप फॉर 1 लैप के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, 1 लैप 2 किलोमीटर का होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ कार एक्स फॉर 1 लैप के लिए फाइंड कर रहे हैं। ओके तो देखें डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 1 लैप है, 2 है वो 2 पुट कर दिया, और टाइम कितना है 60 सेकेंड है, क्योंकि ये कार एक्स जो है वो अभी मैंने बताया वो 60 सेकंड लेती है 1 लैप को कवर करने के लिए। सो 1/30 इसकी स्पीड आ गई। स्पीड ऑफ कार वाई डिस्टेंस ओवर टाइम अगेन, सो 2/80 ये 2, 1 लैप का डिस्टेंस 2 है, और ये 1 लैप कवर करने के लिए कार वाई कितना टाइम लेती है 80 सेकंड। डन। 1/40 आ जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है टाइम, फाइंड करना है कितनी देर 5 लैप इसको पीछे छोड़ने में लगेंगे। सो लेट टी कैपिटल टी हमने ले लिया इज द टाइम टेकन बाय कार एक्स। बेसिकली कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हम टाइम यूज कर चुके हैं तो इसलिए जरा थोड़ा सा चेंज T1 भी ले सकते हैं। सो कैपिटल टी इज द टाइम टेकन बाय कार एक्स टू बी अहेड देन कार वाई बाय 10 किलोमीटर। देखिए 5 लैप उसको पीछे छोड़ना है, 5 लैप किसके इक्वल होते हैं 10 किलोमीटर। तो हमने इसको टाइम पीरियड कैपिटल टी कह दिया कि ये टाइम टेकन है कार एक्स के लिए कितना आगे जाने के लिए 10 किलोमीटर, यानी 5 लैप आगे जाने के लिए। सो इसमें हमने डिस्टेंस देखना है, सो फास्टर भी ये होगी ना एक्स, तो फास्टर यानी ग्रेटर माइनस डी एक्स माइनस डी वाई कितना स्टूडेंट्स 10 का डिस्टेंस हमें चाहिए। ओके सो dx माइनस dy इक्वल टू 10, अभी हमने dx फाइंड किया था, ये dx क्या है डिस्टेंस ऑफ कार x। क्लियर है बेसिकली डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी लिख दें या स्पीड लिख दें मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्लियर? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम होता है स्टूडेंट्स। क्लियर? सो देखें तो 1/1 ये डिस्टेंस है, सो ये क्या है, ये स्पीड है 1/30 किसके लिए x के लिए, और ये टाइम है, हमने टाइम को कैपिटल टी से डिनोट किया हुआ है माइनस। सो सेम इज दैट dy अभी हम फाइंड कर के 1/40 और ये टाइम दैट इज इक्वल टू 10। क्लियर? ये 10 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस हमने कितना फाइंड करना है, वो 10 किलोमीटर का फाइंड करना है। सो वी आर राइटिंग 10 यहां से भी कॉमन ले 1/30 1/40 इन दोनों का एलसीएम 120 आएगा आफ्टर सॉल्विंग 4 - 3 ये 1/120 आ गया स्टूडेंट्स, ये 120 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 10 इनटू बिकॉज़ इधर ये डिवाइड हो रहा है। So after that, t is equal to 10 into 120, 1200 second. But उसने ये second में time तो find हो गया। How long in minute? So हमने minute में answer find करना है, not in second. So हम क्या करेंगे? देखें second से minute पे जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए बड़ा कौन सा? ये तो सबको पता है। Second छोटा होता है, minute बड़ा होता है। ऐसे ही है, second छोटा है और minute बड़ा है। जब भी आप छोटे से बड़े की जानिब जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, सिंपल। छोटे से बड़े पे बड़े यूनिट पे जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो ये सेकंड छोटा है, अब हम मिनट पे जा रहे हैं, तो जब जैसे हम 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 सेकंड में, तो 60 से डिवाइड करने से 20 मिनट आ जाएगा। सो 20 मिनट इज द टाइम टेकन बाय कार एक्स टू बी अहेड देन कार वाई बाय 10 किलोमीटर।
स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कोशिश की कि आप लोगों के लिए जितना सिंपल हो सके, जितना इजी हो सके, इसको इतना इजी कर लूं, ठीक है। सो आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।